कनाडा न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आप सभी को मेरे और एक ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी है ठीक ठाक है, हम लोग भी ठीक है। आज है संडे और अभी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग 6:30 हो रहा था। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चलिए देखते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और हाँ एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो मन से बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे ब्लॉग को अच्छे से एंजॉय करते रहिए। तो देखिए सुबह उठ के जो है मैं फ्रेश हो गई थी और ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि डेली मैं ऐसा ही करती हूँ। रात को जो ड्रेस मैं पहन के सोती हूँ सुबह उठ के चेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं जा रही थी मॉर्निंग वॉक पर। तो दो दिन से यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताई थी बहुत ही बारिश हो रहा था, बट आज जो है धूप निकला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, और साथ ही साथ दूध का पैकेट ख़त्म हो गया था तो वो भी मुझे ले आना है। और बेटू और हस्बैंड अभी तक सो रहा है, तो बाहर से मैं बंद करके चली गई थी ताला लगा के, और देखिए घर पे आ गई थी। और ये दूध का पैकेट और बेटू के लिए एक बिस्किट का पैकेट लेके आई थी, और ये कल रात का बर्तन वगैरह था तो अभी पानी सूख गया था, जगह जगह पर मैं अरेंज कर दूँगी। और यहाँ पर जो है राइस भी मैंने भिगो के रख दिया था, तो राइस होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप लोगों को तो पता ही है मुझे लंच ही पकाना पड़ता है सुबह। बट आज जो है लंच कोई आप लोगों के साथ मैं नहीं शेयर करूंगी, आज मैं एक स्पेशल ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लंच पे ज़्यादा आज नहीं कुछ बनेगा, तो राइस बनेगा, दाल बनेगा और उसके साथ ऑमलेट बनेगा। और कल रात का ना मटर का सब्जी बनाई थी तो वही है, यही देखे हो जाएगा हमारा आज का लंच। तो चलिए अभी मैं मेरे लिए गर्म पानी बिठा रही थी, तो अभी गर्म पानी पीऊँगी। और सुबह उठ के मुझे ये हैबिट है आप लोगों को तो पता ही है, डेली मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो ये यहाँ पर जो है बेटू के लिए दूध भी उबालना है मुझे, तो अभी चलिए फटाफट ये सब काम कर लेती हूँ और थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी मैं एक हेल्दी एंड किड्स स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो स्पेशली जो है सोनू को ये ब्रेकफास्ट पसंद है। मैंने सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर कर किया जाए, आप लोग भी अपने बच्चों को खिला सकते हो इस तरह से ये चिल्का बना के। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ बोल के करीब सूजी ऐड किया था, और सूजी को थोड़ा सा पानी दे के मैं भिगो के रखी थी 30 मिनट तक। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटे कप के 1 कप राइस फ्लावर ऐड कर दिया था, और बाद में मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी मिर्च एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया था। और अभी देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आलू बॉइल कर लिया था, आलू ऑनियन, और उसके साथ मैंने एक ग्रीन चिली ऐड कर दिया है। तो आप लोग चाहो तो और भी तीखा बना सकते हो, और यहाँ पर और भी वेजिटेबल्स आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि कॉलीफ्लावर और कैबेज, कैरेट, ये सब। बट मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए मैं ये दे के ही बना रही थी, थोड़ा सा आलू दे के ही। तो अभी मैंने कर्ड ऐड कर दिया था 2 टीस्पून के करीब, और उसके बाद ऊपर से मैंने एक अंडा ऐड कर दिया है। तो ये ब्रेकफास्ट जो है सच में बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं, बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन बिठा दिया था और थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लिया था, तो ऊपर से जो है इस तरह से राउंड राउंड करके ये दे देना है। तो अभी एक साइड होने के बाद मैं दूसरी साइड पलट लूँगी, और ये होने में थोड़ा सा ही वक्त लगेगा। और गैस का फ्लेम जो है एकदम लो में रखना है, नहीं तो ज़्यादा होगा तो ऊपर से जो है जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो देखिए दोनों साइड हो गया था ऐसे ब्राउन कलर करके, तो एक एक करके मैं इस तरह से बना लूँगी। और बेटू को मैंने खाने के लिए दे दिया था, और बोधिदेव भी खाना खाने के बाद चला गया है ऑफिस, तो लंच मैंने पहले ही बना लिया था और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए एक एक करके मैं इस तरह से ये सूजी का छिलका बना लूँगी। और बेटू देखिए अभी ये फिर से लेने के लिए आ गया था, इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं आप लोगों को बहुत बताई थी। तो चलिए अभी ये फटाफट बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। Da 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 da
गाइस, तो अभी शायद 9:30 या 10 हो रहा था टाइम, और मेरा सुबह का सब काम कंप्लीट हो गया है। तो झाड़ू बिस्तर वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था, और सिर्फ अभी पोछा लगाना बाकी है। और पहले मैं गैस ओवन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाने जाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ तो हो गया था। देखिए यहाँ पर जो है गैस ओवन को मैंने विम बार का लिक्विड जो होता है ना, तो वही दे के क्लीन करती हूँ, और साथ ही साथ ये टेरेस वगैरह को डेली मैं क्लीन करती हूँ, नहीं तो ऑयल का चीटा वगैरह लग जाते हैं। तो अभी गैस ओवन को क्लीन करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, और उसके पहले जो है चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं सोनू क्या कर रहे हैं। तो वो तो टीवी देख रहा था, बट उसको ना एक प्रो देख गया, तो उसको लेके ये क्या कर रहा था चलिए সবই দেখাতে হুম। গেছে ওই পুরো এখানে রুটি খেয়ে ওই দেখো কে রুটি খাচ্ছে টটুর কে খা রাখা ক্রো রুটি খাচ্ছে পরে কি দেখো বৃষ্টি হচ্ছে এখানে এই যে যে সিজন কে বিস্কিট খাচ্ছে না পটেটো চিপ বিস্কিট টেন্ডি বোম খাচ্ছে তোমার জ্বর বৃষ্টি হয়। हे गाइस, तो मेरा घर का काम सब कुछ हो गया था कंप्लीट, और पोछा भी लगा दिया था मैंने, और किचन तो अच्छे से क्लीन भी कर लिया ही है। तो चलिए अभी चलते हैं हम नहाने, और आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब